तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि 1000 जो ब्रायलर मुर्गियां हैं वो 35 दिन का जो उनका लाइफ साइकिल रहता है, जिसमें वो हमें लगभग 2 kg के आसपास बॉडी वेट है वो दे देती है। तो इस 35 दिन में वो कितनी फीड खाती है, कितने क्विंटल, 1000 मुर्गियां हमारी फीड खाती है, और ये फीड है हमें किस रेट पर मिलती है, कितने रुपए पर केजी के हिसाब से ये फीड हमें प्रोवाइड होती है। तो ये सभी जानकारी फ्रेंड्स हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे बता दूं कि मैं हूं सन्नी होशियारपुर पंजाब से, और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल सन्नी पोल्ट्री। तो फ्रेंड, यदि आपके फार्म का मैनेजमेंट टॉप लेवल का है तो आपका जो ब्रायलर मुर्गी है वो 35 दिन में आराम से तैयार हो जाती है, और जो वेट है वो आपको 2 kg के आसपास दे दे जाती है। और 35 दिन में यदि बात करूँ इनके फीड कंजम्पशन की, तो 1000 ब्रायलर मुर्गी आपकी 30 क्विंटल है वो फीड खा जाएगी। कहने का मतलब यही है कि 1000 ब्रायलर मुर्गी है वो 60 बैग जो फीड के रहते हैं वो खाती है, और जो एक बैग है वो 50 kg की पैकिंग के साथ आता है। तो फ्रेंड्स, ब्रायलर फार्मिंग में जो ब्रायलर की फीड की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये ही सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो ये कितनी ज़्यादा कॉस्टली होती है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि फ्रेंड्स 1000 ब्रायलर पर उनको पूरी तरह से तैयार करने पर हमारी 1 लाख रुपए की लागत आती है, तो इस 1 लाख में जो 1000 ब्रायलर्स पर सिर्फ और सिर्फ जो 65,000 का खर्चा है वो उनकी फीड पर ही आता है। तो आप इस तरह आप जो है इनकी फीड के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक अच्छा FCR लेने के लिए अच्छी क्वालिटी की फीड है, कोई अच्छी कंपनी को आपको चूज करना होता है। तो जो फीड की क्वालिटी है वो बिल्कुल आपकी फीड है वो फ्रेश होनी चाहिए। जब आप फीड है वो फीडर में डालें तो एक तेज, जब फीड नीचे फीडर में गिरती है तो खड़खड़ाहट की आवाज आने चाहिए, उसमें कोई फंगस वगैरह नहीं होनी चाहिए। आपके जो ब्रायलर मुर्गियां अच्छे से वजन गेन तभी ही करेंगी यदि फीड के साथ साथ जो आप चिक्स खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है, अच्छी हैचरी से चिक्स खरीद रहे हैं, अच्छी ब्रीड चूज कर रहे हैं, क्योंकि कोब ही है ब्रायलर में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको अपने फार्म का मैनेजमेंट अच्छे से रखना होता है, जिसमें होता है कि लीटर की क्वालिटी, आपके शेड में वेंटिलेशन कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर जो आप अपने वर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, और साथ ही जो टेम्परेचर रहता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, और जो आपको वर्ड को स्पेस प्रोवाइड करनी होती है उसको कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ाना होता है। तो ये सभी बातें हैं वो आपको साथ लेकर चलना होगा यदि आप अपने वर्ड से एक अच्छा ग्रोथ चाहते हैं, अच्छा FCR चाहते हैं। क्योंकि यदि इन किसी में भी कोई गड़बड़ी आ जाती है तो कोई पोल्ट्री की डिजीज आपके फार्म में आ जाएगी, जिससे क्या होगा कि वर्ड का ग्रोथ वहां पर ही रुक जाता है। वर्ड आपका फीड तो खाएगा, मुर्गियां आपकी फीड खाई जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, लेकिन उस हिसाब से आपको वजन नहीं देगी, उनका जो वजन है वो वहां पर ही थम जाता है। इसलिए फीड की अहमियत को आपको समझना होगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि ये कितनी महंगी होती है, इसका रेट क्या रहता है। तो जैसे कि सन्नी पोल्ट्री आपको पहले भी इस वीडियो में बता चुका है कि प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर फीड रहती है ब्रायलर्स में। तो यदि मैं इनकी ओवरऑल कॉस्ट की बात करूं तो फ्रेंड्स इसका जो रेट है 30 से लेकर 35 रुपये पर केजी रहता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही यदि मैं बात कर लूँ 100 मुर्गियों की, तो 100 ब्रायलर मुर्गियां हैं वो आपकी 6 बैग है वो फीड के कंज्यूम कर लेगी, जिसमें फ्रेंड्स जो बैग है वो अलग अलग रहते हैं, क्योंकि पहले हफ्ते हमें उनको प्री स्टार्टर देनी होती है, फिर स्टार्टर, फिर फिनिशर। तो 100 मुर्गियां आपकी 3 क्विंटल फीड खा जाएंगी। तो यदि ऐसे ही फ्रेंड मैं एक मुर्गी की बात करा, तो एक मुर्गा है वो आपकी 3 kg फीड खाकर आपको 2 kg तक वेट दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा रहता है। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने बात की है फीड की, कितनी फीड खाता है और किस रेट पर मिलता है। तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट की भी बात करूँ तो उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें फीड का खर्च रहता है हमारा जो
चिक्स का खर्च है वो, उसमें जो मेडिसिन लगती है, फिर जो लेबर चार्ज रहते हैं, आपका शेड की मेंटेनेंस का कुछ खर्च होता है, तो ये सभी खर्च मिलाकर ही फिर इनकी जो ओवरऑल ब्रॉयलर्स पर हमारी लागत आती है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सन्नी पोल्ट्री की इस वीडियो में कोई बात हमारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सन्नी पोल्ट्री पर पहली बार आए हैं तो सन्नी पोल्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे सन्नी पोल्ट्री की सभी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें, क्योंकि हम सन्नी पोल्ट्री पर आपको लगातार जो चिक्स के रेट है, वो जो हम फीड यूज़ करते हैं उसके रेट, कैसे इनको मेडिसिन या सप्लीमेंट या वैक्सीन इनकी करते हैं, जो सभी जानकारी टाइम टू टाइम आप के साथ शेयर करते रहते हैं। सन्नी पोल्ट्री की इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।